प्रिय छात्रों, आज मैं आदिकाल की विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। आदिकाल की विशेषताएं। प्रस्तावना। अधिकांश विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1575 तक माना गया है। तत्कालीन कबीर और अमीर खुसरों की रचनाओं में बोलचाल की भाषा के उदाहरण मिलते हैं। विषय वस्तु। आदिकाल में विभिन्न प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, इसलिए विषय वस्तु की विविधता मिलती है। इस काल में रासों काव्य मिलते हैं, उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो आदि प्रमुख हैं। रासों का वर्णन। रासो काव्यों में वीर और श्रृंगार की प्रमुखता है। ढोला मारूरा दोहा, वसंत विलास आदि श्रृंगार काव्य हैं। जीवन का चित्रण। इस काल के साहित्य में जीवन के विविध रूपों का चित्रण मिलता है, लेकिन साधारण लोगों के जीवन का चित्रण नहीं हुआ। राजाओं, रानियों, तीर्थंकरों आदि का चित्रण मिलता है। काव्य रूप। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है, लेकिन इसके प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सिद्ध नाथपंथी कवियों ने सूक्ति मुक्तक पद्धति अपनाई। भाषा। हिंदी की आरंभिक रचनाओं पर अपभ्रंश का प्रभाव है। धीरे धीरे हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त होती गई। इसी युग की भाषा में अलंकारों और छंदों की विविधता मिलती है। काव्य शैली। इस युग की काव्य रचना की दो शैलियाँ मिलती हैं, एक है डिंगल और दूसरा है पिंगल। वीररसपूर्ण रचनाओं में डिंगल शैली मिलती है, कोमल भावों के अभिव्यंजना पिंगल शैली में मिलती है। प्रामाणिकता। इस युग की भाषा शैली में एकरूपता नहीं मिलती, इस कारण अनेक रासों के काव्यों की प्रामाणिकता का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है। धन्यवाद।